बीजेपी की जीत हुई तब मुख्यमंत्री बनने के दावेदारों की सूची में शायद आखिरी नाम योगी आदित्यनाथ का था। पंडितों को लगता था कि केंद्र में इन्हें मंत्री बनाया नहीं जा सकता क्योंकि ये बेहद विवादित हैं। जब ये मुख्यमंत्री बने तो लोगों को लगा कि शासन इनके बस की नहीं, हर रोज कोई विवादित बयान देंगे, बवाल मचेगा, सरकार चलेगी नहीं। 8 महीने पूरे होने को हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आज ही के दिन उत्तर प्रदेश की जनता ने 16 में से 14 मेयर चुनाव में इनके नेतृत्व में बीजेपी को बड़ी जीत दी है। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इन्हें मुख्यमंत्री पद पर स्थापित किया। आज की इस जीत से योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया कि यही है उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए राइट चॉइस। योगी आदित्यनाथ जी, एजेंडा आज तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जीत तो आपकी बहुत बड़ी हुई लेकिन आपके विरोधी कहते हैं कि योगी जी ने ईवीएम फिक्स कर दी। चलो, ये कहते हैं कि ईवीएम फिक्स की है, मुझे लगता है कि उनकी जीत में भी उसी ईवीएम का योगदान है। मैंने ये बयान सुबह समाजवादी पार्टी के नेता श्री नरेश अग्रवाल जी का ये बयान मैंने पढ़ा था। मुझे लगता है उनके पुत्र को इसी ईवीएम ने चिताया है। अच्छा होता कि अपने पुत्र से एक बार इस्तीफा दे दिलवा करके वे साबित करें कि वास्तव में ईवीएम के गड़बड़ी थी और हरदोई में इसी गड़बड़ी के कारण वे लोग जीते हैं। मुझे लगता है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए एक बहुत सरल तरीका हो गया है ईवीएम को दोषारोपण करना। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो आज अपना जनादेश दिया है, नगरीय क्षेत्र में लगभग 5 करोड़ की आबादी ने प्रधानमंत्री के आर्थिक सुधारों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक सुधार की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं उस पर उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से एक प्रकार का एक मोहर है और एक सही दिशा में भारत की अर्थव्यवस्था जा रही है, इसके प्रति अपना समर्थन भी। आज की जीत में आपका आंकलन क्या है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से अगर तुलना की जाए तो काफी फर्क नजर आता है। बहन जी मायावती की पार्टी, जिसको 19 सीटें ही मिली विधानसभा चुनाव में, अब नंबर 2 पार्टी के तौर पे उभरी है निकाय चुनावों में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलितों ने मायावती की पार्टी को वोट दिया और अखिलेश का सुपड़ा साफ है। आप कैसे पढ़ रहे हैं इस जीत को? देखिए, चुनौती हमारे लिए नहीं है, ये अंतर बहुत रहता है। जो गैप है इसको तीनों लोग भी मिलकर के नहीं भर पाएंगे। ये चिंता उन लोगों के लिए जरूर होगी जो पिछले 15 वर्षों से प्रदेश में जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करते थे और उन जातीय आंकड़ों को मिलाकर के प्रदेश का छत्यानाश करने पर जो उतारू थे, उन लोगों की चिंता का विषय है। इसके बारे में समाजवादी पार्टी को सोचना चाहिए कि उनका मेजर वोट बैंक कहां जा रहा है, कहां चला गया। आपको एक चीज बताता हूं, मैं अभी कुछ पंडितों से बात कर रहा था लखनऊ में जानने के लिए कि अखिलेश का हुआ क्या। उन्होंने कहा नहीं, अखिलेश की डील हो गई है योगी जी से। डील यह है कि उन्होंने अच्छे से कैंडिडेट भी नहीं खड़े किए, ऐसे लोग खड़े कर दिए जिसको समाजवादी पार्टी के कार्डर ने ही बैक नहीं किया। कोई ऐसी डील है कि उनके टाइम पे जो घोटाले हो उनकी आप जांच नहीं करेंगे इसलिए उन्होंने आपको जीतने दिया? इसको कुछ और दिन चला लें तो मुझे लगता है कि आप लोग तो तय कर चुके हैं कि समाजवादी पार्टी को पूरी तरह सफाया करना है। योगी जी, जीत आज आपकी बड़ी हुई लेकिन गोरखपुर की वार्ड नंबर 68 में माया त्रिपाठी आपकी कैंडिडेट हारती है, आप ही के गढ़ में, आप ही के मंदिर के ठीक बाहर के इलाके में जहां पे आपकी अपार लोकप्रियता होनी चाहिए थी, वहां पे चोट लगी इससे? देखिए, हम लोगों ने पार्षदों के प्रत्याशी चयन करने का पूरा अधिकार लोकल स्तर पर जिला इकाई को दिया था, पंचायत के चेयरमैन का अधिकार
जिला की इकाई और क्षेत्र की सहमति से उस तय करें, और मेयर के चुनाव के लिए प्रदेश स्तर की एक कमेटी थी, वह इसको तय करके लोकल स्तर पर स्क्रीनिंग करके स्टेट से इसको घोषित करें। स्वाभाविक रूप से उस समीकरण में जो प्रत्याशी जिले स्तर पर लोगों ने दी होगी वो फिट नहीं बैठी होगी, क्योंकि पिछली बार वहां बीजेपी जीती थी, उससे पहले भी बीजेपी वहां जीती थी, इस बार क्यों नहीं जीत पाई है हम लोग इसका आंकलन करवाएंगे। लेकिन ये मान करके चलें कि भारतीय जनता पार्टी महापौर पद का प्रत्याशी गोरखपुर में भी जीता है, अयोध्या में भी जीता है, काशी में भी जीता है और मथुरा में भी जीता है। एक जो सीट है जिसका नाम बार बार बीजेपी के नेता तमाम ले रहे हैं वो अमेठी की सीट है, कह रहे हैं कि राहुल गांधी हार गए अपनी ही सीट पे, किसी को नहीं जिता पाए। अब हकीकत यह है कि कांग्रेस का वजूद अमेठी रायबरेली में विधानसभा चुनावों में भी बहुत कम है, और निकाय के चुनाव आते आते तो खत्म सा ही हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बात अमेठी की लेकिन निशाना गुजरात पर? देखिए, कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश नगर निकाय का चुनाव उनकी आंखों को खोलने वाला होना चाहिए। नगर निकाय में पूरी तरह सफाया हुआ है, यहां तक कि राहुल गांधी अमेठी की सीट भी नहीं जिता पाए हैं। दूसरा, राहुल गांधी विकास की जो बातें करते हैं, चार पीढ़ियों से अमेठी से वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे स्वयं सांसद हैं, उनकी माताजी वहां से सांसद थी, उनके पिताजी थे प्रधानमंत्री भी बने देश के, उनकी दादी जी थी प्रधानमंत्री भी बनी देश की, और चार पीढ़ी तक आप एक संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन चार पीढ़ी होने के बावजूद आप वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस नहीं बना पाए, आप चीफ मेडिकल ऑफिसर का ऑफिस नहीं बना पाए, आप गुजरात में जाकर के लंबी चौड़ी डींगे हांक रहे हैं, और उस सच्चाई को भी तो पहचानिए। जब गुजरात के लोग संकट में होते हैं तब राहुल गांधी अमेरिका में पिकनिक मना रहा होता है, जब गुजरात में किसी प्रकार का कोई संकट होता है तो राहुल गांधी को इटली याद आता है, तब तो गुजरात याद नहीं आता। और आज गुजरात के विकास पर आप प्रश्न उठा रहे हैं, 1995 के पहले गुजरात में क्या था? शहर हो या गांव, बिजली नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब वहां पर मुख्यमंत्री के रूप में गए तो उन्होंने बिजली देनी प्रारंभ की। आज बिजली 24 घंटे गुजरात के हर गांव में हर व्यक्ति को मिल रही है तो बीजेपी के कारण। 17 वर्ष पहले जो कच्छ भुज का क्षेत्र पूरी तरह भूकंप के विनाशकारी भूकंप से तबाह हो गया था, उसके नवनिर्माण को तो देखिए, आज वहां जाके लगता ही नहीं कि ऐसा हुआ हो। गुजरात में हर घर तक पाइप पेयजल योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, हर खेत तक पानी पहुंचाना, बुनियादी ढांचागत विकास के लिए जो कार्य गुजरात के अंदर हुआ है, प्रति व्यक्ति आय गुजरात की सर्वाधिक देश के अंदर है, यह कार्य भी अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो स्वाभाविक रूप से विकास उनके एजेंडे में कभी था भी नहीं, आगे रहेगा भी नहीं। योगी जी, आप कहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी के सांसद हैं, उसके बावजूद अमेठी का हाल देखिए, वहां पे विकास नहीं हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, आप गोरखपुर के 5 बार से सांसद रहे, गोरखपुर में आपने कौन सा विकास कर दिया? गोरखपुर बीआरडी के अस्पताल में 61 बच्चों की मौत होती है, गंदगी है, नालियां हैं, सड़कें टूटी, आप भी तो वहां के 5 बार एमपी रहे। मैं हूं ना, मैं एमपी हूं, और जिस बीमारी से मौतें हो रही हैं, 1977 से मौतें हो रही थी, पहली बार 1998 में जब चुना गया था तो देश की संसद में और देश की मीडिया का ध्यान मैंने उसकी ओर आकर्षित किया। आज उसके कारण वहां हर वर्ष वैक्सीनेशन होता है। आप 61 बच्चों की बात कर रहे हैं, वहां पे मुलायम सिंह जी 2005 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 1500 बच्चों की मौत हुई थी, 1500 बच्चे मरे थे उसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में। आज वहां पे वायरल रिसर्च सेंटर बना है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज अकेले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है पूरे देश के अंदर जिसमें वायरल रिसर्च सेंटर है।
हम लोगों के संघर्ष के कारण। वहां पे अगर एपिडेमिक सेंटर बना है, एपिडेमिक वार्ड बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में बना है, हम लोगों के संघर्ष के नाते। किसी भी पूरे देश के अंदर ये बीमारी केवल गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी में नहीं है, देश के 17 राज्यों के 170 जिलों में है। लेकिन चूंकि एक मुखर सांसद होने के नाते मैं इसकी लड़ाई लड़ता रहा हूं, तो लोगों को जानकारी है, इसलिए वहां पर हर व्यक्ति को मुफ्त में उपचार भी होता है, उनके लिए वहां पे सारी सुविधाएं भी बियाड़ी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, क्योंकि बियाड़ी मेडिकल कॉलेज मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। लेकिन देश के अन्य क्षेत्रों में पूछा जाना चाहिए, श्री गुलाम नबी आजाद केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे, ये गोरखपुर गए थे, जब इनसे पूछा गया कि इस इंसेफ्लाइटिस के लिए आपको, उन्होंने कहा साहब ये तो स्टेट का मैटर है, सेंट्रल कुछ नहीं कर सकता। आज तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहां कार्य भी कर रही है, और एक मुख्यमंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण करने के तत्काल बाद जब वहां पे हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, पहली बार ईस्टर्न यूपी के 20 जिले में हम लोगों ने पीडियाट्रिक्स का ICU स्थापित किया। वहां के जितने भी पीडियाट्रिशियन थे, फिजिशियन थे, पैरामेडिकल का जो स्टाफ था, उनकी स्पेशल ट्रेनिंग हम लोगों ने वेक्टर बॉर्न डिजीज की उनकी करवाई। हम लोगों ने 92 लाख बच्चों को JEE के वैक्सीनेशन करवाए। JEE और AES एक दिन में नहीं समाप्त होने वाली है। नहीं तो मैं आपसे पूछता हूं मुख्यमंत्री जी, दूसरा एक तारीख आपने डेडलाइन दीजिए कि जापानीज एंसेफेलाइटिस की बीमारी को गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से आप कब तक मिटा देंगे। अब तो आप मुख्यमंत्री है, तमाम संसाधन कर रहा हूं ना, टाइम बताइए। हम कर रहे हैं, इंसेफ्लाइटिस हमारे इस बार के अभियान से 6% से घट करके 1% पे आ चुका है, और मेरा मानना है वैक्सीनेशन का समय, पिछले वर्ष हम चूंकि मार्च में आए थे, वैक्सीनेशन हमारा मई के अंत में प्रारंभ हुआ था, इस वर्ष हमने फरवरी से वैक्सीनेशन की तिथि अभी से तय कर दी है। फरवरी 2018 से वैक्सीनेशन ईस्टर्न यूपी में होगा, सभी 38 जिलों में होगा। दूसरा, इंसेफ्लाइटिस से जो मौत इस समय हो रही है वो जापानी इंसेफ्लाइटिस से कम है। अब जो मौतें हो रही हैं वो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से है, उसके खिलाफ भी एक विशेष अभियान हम लोगों ने वहां प्रारंभ किया है, और आप मान करके चलिए कि मेरे रहते हुए ही इंसेफ्लाइटिस वहां से समाप्त भी होगा। तो 5 साल का आप मान करके चलिए, ये भी हो सकता है ना, आप सोचें कि अगले बार फिर से आप जीत जाएं तो 10 साल का टाइम मांग ले। एक बताइए कि इस टर्म में कि अगले टर्म में, आप मान करके चलिए कि इसी टर्म में हम करेंगे, और वैसे मेरा कार्यकाल आप सीमित मत करिए। अच्छा भैया, मैं असीमित समय के लिए आया। तो इन्होंने कह दिया ना कि मेरे रहते, अब पता नहीं आप क्या अपने दिमाग में रखें कि कितने दिन आप रहेंगे। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी कार्यकाल में इंसेफ्लाइटिस ही नहीं, वेक्टर बॉर्न डिजीज को, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार के कारण उत्तर प्रदेश में पनपी हैं। फाइलेरिया पूरी दुनिया के अंदर समाप्त हो गया, उत्तर प्रदेश में है। डेंगू उत्तर प्रदेश में है। कालाजार उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मिल जाता है। इन सब को हम समाप्त करेंगे। अच्छा, आपने देखा कि आप किस रंग की कुर्सी पे बैठे हैं? हाँ हाँ, मैं देख चुका हूँ। कुर्सी का रंग भगवा है। मैं आपके निवास पे आया था लखनऊ में, वहां पे भी आपकी कुर्सी भगवा थी। कुर्सी तक तो ठीक है, अब तमाम अलग अलग शहरों से, उत्तर प्रदेश से हर रोज हमें तस्वीरें आती हैं कि अब इस दीवार को, इस बिल्डिंग को इन्होंने भगवा पेंट कर दिया। तो क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि जैसे कि आप चाहते हैं कि पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है वो सब भगवा रंग की हो जाए? देखिए, भगवा कलर ये प्रकृति का कलर है, विकास का प्रतीक है, ये प्रोग्रेसिव कलर है, एक प्रोग्रेसिव यूपी। अब जातिवादी यूपी नहीं होगा, अराजक यूपी नहीं होगा, गुंडागर्दी का यूपी नहीं होगा, परिवारवादी यूपी नहीं होगा, एक प्रोग्रेसिव यूपी। उसके लिए आवश्यक है इस कदम को आगे बढ़ाना। तो भगवा रंग जो है, आपके हिसाब से संघ की सोच, बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व का प्रतीक है या विकास का प्रतीक? उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का प्रतीक है। और उन लोगों का क्या जिनको लगता है कि भगवा हमारा रंग नहीं? क्या आप उगते हुए सूर्य को रोक पाएंगे? क्या अग्नि के उन रश्मियों को आप रोक पाएंगे जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है? ये जो
सेफ्रन कलर है ना, जो ये भगवा कलर है ना, ये ऊर्जा का प्रतीक है, इस देश के 125 करोड़ ऊर्जा का प्रतीक। अगर कोई उसे सांप्रदायिक रंग देता है तो संकुचित मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है। आप अब से तीन हफ्ते में 8 महीने कंप्लीट कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर बनने के बाद। अगर आपसे पूछा जाए योगी आदित्यनाथ जी बतौर मुख्यमंत्री अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए, क्या किया है आपने 8 महीने में जिसको लेके आप सबसे ज्यादा गर्व महसूस करते हैं? मैंने 8 महीने में मेरी सरकार ने वह काम किया जो 15 वर्षों तक सपा बसपा ने नहीं किया। ऐसा क्या कर दिया आपने? हमने इन 8 महीनों में उत्तर प्रदेश की जनता के अंदर एक विश्वास भरा कि वे भी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित रह सकते हैं। हम लोगों ने इन 8 महीनों के दौरान उत्तर प्रदेश के किसानों के अंदर एक विश्वास भरा कि उनका भी सम्मान होगा। 86 लाख किसानों के कर्ज माफ के ही कार्यक्रम को संपन्न नहीं किया, आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर किसान को उसकी फसल का उचित दाम मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आज किसान आंदोलन नहीं कर रहा है बल्कि सरकार के विकास के साथ चलकर के आगे बढ़ रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में रोज धरना प्रदर्शन आगजनी सब कुछ होता था, आज नहीं, क्योंकि किसान को विश्वास है सरकार पर, आज उसे उसका उचित दाम मिल रहा है। हम लोगों ने अपनी प्रोक्यूरमेंट की जो पॉलिसी तय की है, सीधे किसान से खरीदेंगे, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा, हम किसानों से सीधे खरीद रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गेहूं 5 वर्ष में 30 लाख मीट्रिक टन नहीं खरीद पाए थे, हम लोग 1 वर्ष में 37 लाख मीट्रिक टन किसानों से खरीदे, समर्थन मूल्य से अधिक उसको दाम दिया हम लोगों ने। इस समय धान का क्रय चल रहा है, 11 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय हम कर चुके हैं, पर क्विंटल समर्थन मूल्य से 15 रुपये अतिरिक्त किसान के खाते में सीधे पहुंचाया जा रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शन से प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव है, उत्तर प्रदेश का किसान उसका जीता जागता उदाहरण है, जिसके खाते में समर्थन मूल्य से अधिक पैसा पहुंच रहा है, बीच में कोई लीकेजेस नहीं। ये सारी चीजें अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं, हम लोगों ने किया है। 11 लाख शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 11 लाख लोगों को आवास उपलब्ध करवाए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली की चोरी देश के अंदर नंबर एक पर होती थी, या फिर उन लोगों का बिजली नहीं थी। 20 लाख परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए हैं, लेकिन एक मीटर उनके घर में जरूर लगा दिए हैं कि भाई जितना जलाओगे उतना तो बिजली का भुगतान करते जाइए, जिससे ये भार अन्य लोगों पर ना आने पाए। और आने वाले समय में इसको और तेज करने जा रहे हैं। 33 लाख गरीबों को जो अब तक राशन कार्ड से वंचित थे उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराए हैं। स्वच्छ भारत मिशन में 38 लाख लोगों को हम लोगों ने व्यक्तिगत शौचालय उपलब्ध करवाए हैं। 90,000 किलोमीटर की सड़कों को गड्ढा मुक्त किए हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास 31,000 किलोमीटर की सड़कें ऐसी हैं जो गड्ढा युक्त हैं, उसे गड्ढा मुक्त हमें करना है। प्रदेश के अंदर आपने गड्ढों का जिक्र किया, आपको याद होगा कि मुझे बोलने दीजिए ना पहले, आपने कहा क्या किया है। प्रदेश के अंदर भेदभाव की राजनीति को समाप्त किया है। बिजली वहां 3 जिलों में मिलती थी, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में, लखनऊ को, और या फिर हाईकोर्ट इलाहाबाद होने के नाते उसके आसपास के क्षेत्रों में या आगरा में, यही 3-4 जिले बिजली मिलती थी। हम लोगों ने कहा कि नहीं, विकास के मेरे पास आए अधिकारी, उन्होंने कहा साहब गोरखपुर को 24 घंटे बिजली दे दी। मैंने कहा अभी काट दो, कोई आवश्यकता नहीं है, गोरखपुर के लोग 4 घंटे बिजली पाते थे, 4 घंटे में ही रहेंगे आगे भी। पूरे प्रदेश के अंदर एक तय करो, माननीय पीयूष गोयल जी केंद्र में ऊर्जा मंत्री थे, मैंने उन्हें आमंत्रित किया यूपी में, उनके साथ MOU पे साइन किया पावर फॉर ऑल के लिए। और फिर इस देश के अंदर आज़ादी के बाद भेदभाव के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज़, असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन प्रदेश के अंदर 75 जिलों में जिला मुख्यालयों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, तहसीलों में 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे हम अनवरत रूप से 14 अप्रैल से लगातार दे रहे हैं। अब ये भी अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप गिना रहे हैं वो तमाम चीज़ें जो आपने की, मैं आपको गिनाता हूँ कुछ ऐसे वादे जो आप पूरे नहीं कर पाए। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद हम लोग लखनऊ आए थे, आपका पहला इंटरव्यू किया था, उस वक्त आपने कहा था कि मध्य जुलाई तक सारे गड्ढे भर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 100 दिन में मैं यूपी के सारे गड्ढे भर दूंगा। मैंने उसी टाइम पे कहा था सर ये मत बोलिए, मैंने बाद में हम गड्ढे ढूंढेंगे, बहुत गड्ढे मिलेंगे। आज मैंने लोगों से कहा कि सवाल बताओ, सब गड्ढों की तस्वीरें लेके भेज रहे यूपी भर से। होना चाहिए, मुझे खुशी है कि आपने याद दिलाया, लेकिन ये गड्ढे
सपा और बसपा के भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े गड्ढे थे कि इसमें हाथी और साइकिल सब कुछ समा जाएगी, ये मैं कल्पना नहीं करता था। और हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब हमें इस कार्य को करना था, होना ये चाहिए था कि हमने, मैंने 19 मार्च को शपथ लिया। 19 मार्च को शपथ लेने के तत्काल बाद इस पे कार्य होता, लेकिन हाईकोर्ट का स्टे था। हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा कि आप अपने इसको किस रूप में आप अपनी जो है इस पॉलिसी को लागू करेंगे। हम लोगों को नई पॉलिसी बनाने, फिर उसको लागू करने कि हम सैटेलाइट लाइट मैपिंग से इसको जोड़ेंगे और इसको हम ई टेंडरिंग से इसको सारी व्यवस्थाएं लागू करेंगे, इन सब को लागू करने में तब तक मई बीत चुका था। मई के बाद जब तक इस कार्रवाई को हम करते, 30 जून से लेकर के और 30 अप्रैल तक माइनिंग बंद होती है। ये बंद होने के बाद जब सितंबर में हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते, तब तक एनजीटी ने उत्तर प्रदेश की माइनिंग को फिर रोक दिया। हम लोग लगातार प्रयास किए, पैरवी किए, जब एनजीटी से हम लोगों को रिलीफ नहीं मिली तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट से फिर आदेश करवा करके हम लोगों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। आपको याद होगा कि माइनिंग में उत्तर प्रदेश को कुल राजस्व मिलता था 1400 करोड़ रुपये। आज आपको मालूम है कि अभी हमारे यहाँ माइनिंग के कुल आधे भी पट्टे नहीं उठे हैं और उत्तर प्रदेश की इनकम हो चुकी है 5000 करोड़ रुपये। यानी हम लोगों ने उन चोरों के उसको रोका है, लेकिन साथ साथ अब हम माइनिंग सस्ते दाम पर उपलब्ध भी करा रहे हैं और इन विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए भी 90,000 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त किए हैं। 31,000 किलोमीटर जो सड़कें हैं उनको भी हम बहुत शीघ्र करने जा रहे हैं। आप एक नई डेडलाइन देना चाहेंगे? 15 जुलाई की तो डेडलाइन पूरी हुई नहीं, अगली योगी जी की डेडलाइन मानकर चलिए कि 30 दिसंबर तक हम इसको कंप्लीट कर लें। अब देखिए फिर मैं 30 दिसंबर का आप आइए आ जाऊंगा। स्वागत आपका, एकदम स्वागत है। बहुत सारी तस्वीरें लेके आएंगे गड्ढों। आप आइए, स्वागत। 30 दिसंबर तक आप उत्तर प्रदेश की सड़कें निश्चित होंगे, गड्ढे मुक्त हो जाएंगे, एकदम होंगे। आपने जिक्र किया कानून व्यवस्था का, ऐसा नहीं है कि यूपी में राम राज्य स्थापित हो गया है। कल ही कानपुर में एक पत्रकार की हत्या हुई। अब तक एनएचआरसी का डेटा कहता है कि 433 इनकाउंटर मौतें हुई। 21वीं सदी में इतनी इनकाउंटर मौतें? आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी या जो आतंकवादी सरेआम किसी निर्दोष व्यक्ति को गोली मार रहा है, सरेआम किसी बहन और बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए और किसी को भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं कि दूसरे के जीने के अधिकार को छीन ले, और अगर कोई छीनता है तो मुझे लगता है उसके साथ वैसे ही व्यवहार किया भी जाना चाहिए। आपने कहा और खूब ताली भी बजी यहाँ पे कि मैं अपराधियों की आरती उतारूं क्या, लेकिन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने आपको नोटिस भेजा। नोटिस में लिखा गया कि कानून व्यवस्था जैसी भी क्यों ना हो, सरकार इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती जिसमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हों कथित अपराधियों। एक भी मैटर उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा नहीं है। अब आप अपने अनुसार किसी एक पेपर की कतरन से नोटिस जारी करें तो मुझे लगता है कि उसका जवाब भी हम लोग देंगे। अभी नोटिस हमें मिली नहीं है, लेकिन मैं इस बात के लिए कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 22 करोड़ जनता को सुरक्षा प्रदान करना मेरा दायित्व है। मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं इसको अपना धर्म मानता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने की छूट भी किसी को नहीं दूंगा, किसी को नहीं। क्या आप ये भी कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में ही झूठ की इनकाउंटर किलिंग्स की हत्या भी किसी को नहीं है, स्टेज इनकाउंटर किलिंग्स की? एक भी मामले इस प्रकार के नहीं आए हैं, एक भी नहीं आए हैं। और ना आएंगे? आएंगे भी नहीं। ऐसा तो नहीं कि खुली छूट की जो अपराधी दिखे ठोक दो? नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। देखिए, कानून का राज है। कानून के राज का मतलब
जैसे मेरे लिए है वैसे हर व्यक्ति के लिए भी है। लेकिन हां, इतना जरूर है, अपराधियों ने अपनी जमानतें निरस्त कराना बंद कर शुरू कर दिया है। जो जेल के अंदर बंद है वे बाहर नहीं आना चाहते। हमारी ही रिपोर्ट थी, कुमार अभिषेक शायद यहीं पे कहीं पे है, वो काफी चली भी, जिसमें था कि आजकल इनको बेल पसंद नहीं, बेल नहीं, जेल पसंद है, बेल नहीं पसंद, आना नहीं चाहते, उनको डर है कि आप मरवा देंगे। मराएंगे नहीं, लेकिन वो चैन से रहें। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता फैलाने की छूट नहीं देंगे किसी को, किसी को नहीं। आपके डीजीपी ने एक बयान दिया अखबार में, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की स्थिति, पुलिस की छवि जैसे ब्रिटिश राज में ब्रिटिश की पुलिस थी उससे भी खराब है। आपके खुद के सबसे सीनियर पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी फोर्स की इमेज ब्रिटिश पुलिस से भी खराब है। देखिए, उनका तुलनात्मक एक अध्ययन था कि पुलिस की तस्वीर को पिछले 15 वर्षों में सरकारों ने कैसे खराब कर दी है, पिछले 15 वर्षों के दौरान किस प्रकार से पुलिस की जो जवाबदेही होनी चाहिए थी जनता के प्रति कैसे उसको किया है। ये उनका आशय था, ये नहीं था कि हम लोगों को, देखिए पुलिस को मैं इसी बात को कहता हूँ बार बार, पुलिस के अधिकारियों के साथ जब बैठक करता हूँ तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि देखिए आपका जो पक्ष होना, जो पब्लिक फ्रेंडली आपको बनना चाहिए, आप ब्रिटिश पुलिस नहीं है, आप पब्लिक फ्रेंडली बननी है। ऐसे क्यों होता है कि कोई पुलिस की वर्दी देखता है तो आम जनता भी जो है एक प्रकार से उसको बहुत ही दिस से देखता है। हकीकत यह है कि लोअर लेवल पे पुलिस में भ्रष्टाचार अभी भी है, आप ही के खुद के डीजीपी ये मानते हैं। मैंने क्या कहा भाई, सवाल ये है कि जिस परंपरा से 15 वर्ष का कार्यकाल, एक पूरी पीढ़ी गुजर जाती है 15 वर्ष में, जिन लोगों ने कभी वहां अच्छा देखा ही नहीं था, तो उनको रास्ते में लाने के लिए कुछ तो उनको कष्ट होगा, उनको कुछ न परेशानी होगी। तो स्वाभाविक रूप से मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम राम राज्य आ गया है, लेकिन राम राज्य की ओर बढ़ रहा है और तेजी के साथ बढ़ रहा क्या है। क्या आपको लगता है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहते हैं तो आज की तारीख में 21वीं सदी में राम राज्य स्थापित हो सकता है? क्यों नहीं, संकल्प से सिद्धि का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोगों को मंत्र दिया है कि 2022 में जब देश आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर रहा होगा, उस समय हम एक ऐसा भारत दें जो भारत गंदगी से मुक्त हो, जो भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो, जो भारत किसी भी प्रकार के जातिवाद से, संप्रदायवाद से, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त हो, एक समृद्ध भारत हो, एक श्रेष्ठ भारत हो। और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश उसी का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेगा। एक गरीब को जिसने कभी सिर के ऊपर छत नहीं देखी है, अगर उसको आवास मिल जाता है तो उसके लिए वही राम राज्य है। आपको लगता है कि 5 साल में योगी आदित्यनाथ आप उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित कर देंगे? हम लोग इसीलिए आए हैं, आपको क्या लगता है हम लोगों के आने के बाद भी अगर राम राज्य नहीं आएगा तो फिर तो मुझे लगता है कि हम लोगों की सब मेहनत बेकार है, व्यर्थ है, उसी दिशा में प्रयास हो रहा है। राम राज्य तब आ सकता है जब सुरक्षा व्यवस्था सबके लिए हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। आपके हिसाब से राम राज्य की परिभाषा क्या? और रावण और मेघनाथ भी मारे जाएं। योगी आदित्यनाथ जी, इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ। लखनऊ में हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवेंद्र श्रीवास्तव हैं, वो कुछ लोगों के साथ हैं जो आपको सुन रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे कि वहां पे उनके हिसाब से राम राज्य स्थापित होने की दिशा में कदम लिए जा रहे हैं या नहीं। शिवेंद्र, क्या लग रहा है लोगों को लखनऊ? जी बिल्कुल राहुल, बहुत देर से योगी आदित्यनाथ जब से बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में अपनी उपलब्धियों के बारे में, लगातार यहाँ तमाम लोग हैं जो सुन रहे हैं, वो लोग बात करना चाहते हैं, उनसे खुद बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि देश में जो उत्तर प्रदेश है उसमें राम राज्य की ओर बढ़ रहा है, क्या आप इससे इस्तीफा रखते हैं? बिल्कुल नहीं, इससे इस्तीफा रखते हैं हम,
फर्स्ट पहले तो मैं योगी साहब को अपने समाज की तरफ से नमस्कार बोलूंगा। योगी साहब से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि योगी साहब अपने अपने जहां से गोरखपुर से आते हैं, जिस गोरखपुर से, वहीं से उनका पार्षद हार जाता है और इस उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने घर में पूरे तरीके से चुनाव हारते हैं, पूरे तरीके से फेल होते हुए नजर आते हैं। मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी साहब से कि क्या आप लोग सरकार चलाने में विफल हो रहे हैं? क्या सरकार चलाने में ये सवाल आया कि आपके उप मुख्यमंत्री कुशीनगर की छहों सीट में उनके तमाम उम्मीदवार हार गए केशव प्रसाद? देखिए, तो जनता के जनादेश ने आज साबित कर दिया है कि हम लोगों की विजय हुई है या पराजय हुई है। मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोगों को किसी और के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश का मतदाता उसका प्रमाण हम लोगों को दे सकता है। आपके डिप्टी के यहाँ पे छह सीट हार गया, हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे, हम उसकी समीक्षा करेंगे। ऐसा भी खूब चलता है उत्तर प्रदेश में। जब मैं आता हूँ लखनऊ में, लोग कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की नहीं बन रही। ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, आपको लगता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग एक टीम स्पिरिट के साथ काम कर रहे हैं और इसीलिए सरकार परफॉर्म कर पा रही है। आपने कहा कि आप अभी भी गोरखनाथ मठ जाते हैं, हमने हाल ही में देखा आप पूजा करने गए। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो क्या आपको छोड़ नहीं देना चाहिए, पूरा अपना वक्त प्रशासन के काम में देना चाहिए? देखिए, मैं पूरा समय देता हूं और मुझे लगता है कि 24 घंटे में से 18 घंटे 20 घंटे मुख्यमंत्री के पद का जो निर्वहन ईमानदारी के साथ करता हूं। गोरखपुर जाता हूं तो किसी गेस्ट हाउस और किसी सर्किट हाउस में नहीं रुकता हूं, मंदिर में रुकता हूं, मठ में रुकता हूं। और मेरी इच्छा होती देश के अंदर कहीं जाऊं भी, प्रदेश के अंदर कहीं जाऊं तो कोई मठ मंदिर होगा वहीं जाके रुकूं भी। देखिए, हमें अपनी वास्तविकता को नहीं छोड़ना चाहिए। मठ और मंदिरों को हम केवल एक पूजा के स्थल के रूप में ही न माने। ये जो धर्म स्थल हैं, ये राष्ट्रीय एकात्मता के स्थल हैं, ये लोक कल्याण के बहुत बड़े स्तंभ हैं, इन ये समाज के लिए बड़ी प्रेरणादायी स्थल हैं। और इसलिए जब मैं जाता हूँ तो प्रयास करता हूँ कि अगर कोई मठ मिले, कोई मंदिर मिले, कोई रुकने की व्यवस्था मिले वहीं रुकूं, नहीं तो फिर सरकारी गेस्ट हाउस में रुकता हूँ। आपको क्लैश नहीं नजर आता? कोई क्लैश नहीं। हफ्ते भर के लिए आप चले जाते हैं पूजा करने के लिए? हफ्ते भर में नहीं जाता हूँ, महीने में एक बार जाता हूँ, प्रयास करता हूँ महीने में एक बार जाऊँ, दो बार जाऊँ, मौका मिले तो अवश्य जाता हूँ। अच्छा, आपकी देखा देखी और वैसे ही चूंकि इस वक्त हिंदुत्व सभी के जहन में है, तो राहुल गांधी भी आजकल बड़े सारे मंदिरों का चक्कर लगा रहे हैं। गुजरात में इसी बार 2 दर्जन मंदिरें हो गए हैं, तो क्या आपको लग रहा है? अच्छा, साबित भी कर रहे हैं। संदीप सिंह सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि देखो वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है, वो तो देखिए किस तरीके से पूजा करते हैं, मतलब वो स्थापित करने में लगे हैं कि किस तरीके से वो भी हिंदू है। देखिए, राहुल गांधी सचमुच बेचारा हो गया है, अपने वक्तव्यों से, अपने कृतित्व से स्वयं हंसी का पात्र बन जाता है। दूसरा, कांग्रेस के अंदर एक बड़ी लॉबी है जो ये सोचती है कि अगर किसी स्टेट में चुनाव हारना है तो राहुल गांधी को उस स्टेट में भेज दो, तो कांग्रेस की 100% हार की गारंटी राहुल गांधी हैं। देखिए, जहां तक बात है मंदिर जाने का, मैं ताज्जुब करता हूं कांग्रेस के विभाजनकारी मनसाएं कब दूर होंगी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। देश का विभाजन करवाया, समाज को जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटा, और तमाम वादों के आधार पर बांटने के बाद भी अब उन्होंने जनेऊधारी और बिना जनेऊ के हिंदुओं के आधार पर बांटना शुरू कर दिया। इस समाज को हिंदुओं में तो कभी पूछा ही नहीं गया, आप भी हिंदू हैं ना? आप ही की पार्टी ने पूछा ना? आप मुझे बताइए, आपकी पार्टी ने पूछा कि उन्होंने नॉन हिंदू रजिस्टर में सोमनाथ टेंपल में क्यों साइन कर दिया? सवाल यह है कि उन्होंने स्वयं दर्ज किया, वहां रजिस्टर ही उन लोगों के लिए है जो नॉन हिंदू हैं, आपने अपना नाम उसमें दर्ज किया है? नहीं लिखा। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब आप भारत में रहें और गुजरात के चुनाव आए तो आपको मंदिर नजर आ जाएं, और जब भारत के बाहर जाएं तो वहां पे अपने को कैथोलिक क्रिश्चियन के रूप में अपने नाम दर्ज कराएं आप, ये दोनों कैसे चलेगा? राहुल गांधी को समझना चाहिए कि दो नावों की सवारी हमेशा डुबोती है, और यह कांग्रेस को डुबोने में मुझे लगता है उन्होंने महारत हासिल कर ली है या कुछ इस प्रकार की एक उनको कहीं से प्रेरणा मिली है। करें
केवल मैं एक बात पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, आखिर क्या देखना चाहते हैं मंदिर में? अगर वे आस्थावान हैं, यही राहुल गांधी थे जिन्होंने कहा था कि लोग मंदिर में इसलिए जाते हैं जिससे लड़कियों को छेड़ सकें, यही राहुल गांधी थे ना? यही राहुल गांधी हैं जिन्हें आज वहां के हिंदुओं को, वहां का हिंदू इन्हें दिखाई दे रहा है। अमेरिका के राजदूत के सामने इन्होंने क्या कहा था कि लश्कर से मुझे डर नहीं, मुझे डर है हिंदुओं से। यही राहुल गांधी हैं जिनकी 2005 में सरकार थी और जिस भगवान शिव की आराधना करके राम सेतु का निर्माण हुआ था, उस राम सेतु को तोड़ने का आदेश इनकी सरकार ने दिया था। धर्माचार्य आंदोलन कर रहे थे, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, इन्होंने शपथ पत्र इनकी सरकार ने दिया था ना, राम और कृष्ण की यानी उनके अस्तित्व को ही इन्होंने चुनौती दी थी। अगर राम और कृष्ण नहीं हुए, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं था, तो फिर राहुल जी मंदिरों में जाके क्या दर्शन करना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं? बेहद विनम्रता से पूछा जाना चाहिए, बेहद विनम्रता। और मुझे लगता है हिंदुओं में कोई भेद नहीं जन्योधारी और गैर जन्योधारी का। आप भी हिंदू हैं ना? मैंने आपको तो नहीं कहा कि आपने तिलक नहीं लगाया तो आप हिंदू नहीं हैं। मैंने तो नहीं कहा कि आपने चोटी नहीं रखी है तो आप हिंदू नहीं हैं। आपसे कभी नहीं पूछा गया कि आप जनेऊ रखे हैं कि नहीं रखे हैं। लेकिन कांग्रेस की फितरत है विभाजन का, बंटवारे का, और अपनी फितरत से आज भी बाज नहीं आ रही है। बेहद विनम्रता से योगी जी, मैं आपसे यह सवाल करता हूं कि आपने अभी कहा, मुझे मालूम है कि चुनाव का सीजन है और उस वक्त पे विपक्ष पे हमला बड़ा जबरदस्त होता है, लेकिन आपने कहा जब वो विपक्ष जब विदेश जाते हैं तो अपने आप को कैथोलिक दिखाते हैं, आपको कैसे मालूम है? कहीं आपने देखा उन्होंने कैथोलिक करके एंट्री है? उसके प्रमाण है, इसलिए समय आने पे उसको कहां पे है प्रमाण दिखाइए। समय आने जैसे वहां उन्होंने लिखा है वैसे समय आने दीजिए। लेकिन ये देखिए चुनाव के मौसम में मैंने कहा कि मैंने नहीं लिखा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे अगर राहुल गांधी ने लिखा होता तो सोमनाथ के एंट्री रजिस्टर में राहुल गांधी जी थोड़ी लिखते। जिसने भी लिखा अगर अपने खुद के लिए लिख रहे होते तो राहुल गांधी जी थोड़ी लिखते सर। उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये रजिस्टर है नॉन हिंदू के लिए है। वो तो कहते मैंने लिखा ही नहीं, आप ऐसी चुनावी मौसम में चाबी कर रहे हैं। अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, उनके स्वयं के प्रवक्ता ने लिखा है। देखिए अब प्रवक्ता पे आ गए तो उन्होंने नहीं, उनके स्वयं के प्रवक्ता, आखिर वो किस बात के लिए हैं? उनको मालूम नहीं रजिस्टर किस बात का रखा गया है? प्रवक्ता को तो प्रवक्ता की गलती, कोई भी राहुल गांधी हिंदू होने पे ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। राहुल गांधी वैसे भी नहीं लिख सकते, उनको लिखना नहीं आता। मैं कह सकता हूँ नहीं लिख सकता, मतलब आप कह रहे हैं कि अनपढ़ गवार। मैं इस बात के लिए कह सकता हूँ आप राहुल गांधी से लिखवा लीजिए, नहीं लिख सकता। आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को हिंदी लिखनी नहीं आती, देवनागरी नहीं आती। मैंने क्या कहा कि राहुल गांधी लिख नहीं सकते? नहीं अंग्रेजी तो लिख सकते। फिर मैं क्या कह रहा हूँ ना, उनको इस बात को साबित करना चाहिए सर। तो यहाँ एजेंडा आज तक के मंच से योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को खुली चुनौती दी है कि हिंदी लिख के दिखा दे। मैंने क्या कहा कि आपको पढ़ना ही नहीं? मैंने कहा वह उन बातों को उस उद्गार को व्यक्त कर ही नहीं सकते, लिख ही नहीं सकते। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूँ, पर ये जो बीजेपी एक इमेज बनाती है राहुल गांधी की कि पप्पू है, डफर है, कुछ आता नहीं है, हकीकत ये है कि अभी आप हाल में राहुल गांधी का एक नया रूप देख रहे हैं। जब वो गुजरात में बोलते हैं तो गुजरात की जनता उनको ताली मारती है। बहुत दिनों से छुट्टी पे भी नहीं गया राहुल, लगातार गुजरात जा रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पहले की एक पप्पू वाली इमेज थी वो चेंज हो रही है, अब जनता से जुड़ने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लोगों से ज्यादा एक तरीके से जुड़ रहे हैं? ये तस्वीर इसलिए आई है, हर चुनाव में उनका एक नया रूप आता है और मुझे लगता है कि ये जो रूप है, जैसे पहले नाटकों में होते थे ना कि जो शहजादे बनते थे उनके नए नए रूप होते थे, तो राहुल गांधी उसी के एक प्रतीक हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। आपने कहा कि राम राज्य बनेगा 2022 तक, क्या उस राम राज्य में भगवान राम के लिए एक भव्य मंदिर भी होगा अयोध्या में? भाई हम लोग तो मिलते हैं राम राम कहते हैं, विदा होते हैं राम राम कहते हैं, मंचों पे चढ़ते हैं जय श्री राम कहते हैं, और किसी की अंतिम यात्रा भी निकालते हैं तो राम नाम सत्य है कहकर, राम के बगैर कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं, नहीं ये तो बात सही है। लेकिन राम मंदिर कब बनेगा? इंतजार करिए, परसों से 5 दिसंबर से कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। आपने इतने वर्षों तक इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए।
नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस आजकल कह रही है ना कि राम मंदिर का आप बार बार नाम लेते हैं लेकिन तारीख नहीं आप बताते हैं कि कब बनेगा। मैं तो 5 दिसंबर से बोल रहा हूँ ना, 5 दिसंबर से कोर्ट में नियमित सुनवाई होने जा रही है और इस काम को तो 1949 में हो जाना चाहिए था जब रामलला का प्रकटीकरण हुआ था। ताला तो कांग्रेस ने ही लगवाया था, वो खुलवाया नहीं, खुलवाने में तो हम लोगों की भूमिका है। पर आपको लगता है कि क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी बार बार कहते हैं कि 2018 खत्म होने से पहले राम मंदिर या तो बन जाएगा या कम से कम काम शुरू हो जाएगा। जो मामला न्यायालय में हो हमें उसका इंतजार करना चाहिए और मुझे लगता है न्यायालय के प्रति, देश की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति पूरा सम्मान का भाव हमें रखना चाहिए। यहाँ पे कुछ लोग हैं वो सवाल भी पूछना चाहते हैं, मैं मौका देता हूँ कुछ लोगों को सवाल पूछने का। अशोक सिंघल सवाल पूछना चाहते हैं, उनको माइक दीजिए। योगी जी, मेरा सवाल वैसे तो राम मंदिर को लेकर था लेकिन एक सवाल यह है कि जब आप सीएम बने यूपी के तो मोदी से तुलना होने लगी थी आपकी, मीडिया में भी सब जगह है कि अब मोदी को रिप्लेस करेंगे, आगे के मोदी होंगे इस टेन्योर के बाद, कहीं ना कहीं एक सेंटर में आपकी भूमिका देखी जाने लगी। देख लीजिए, अशोक जी ने ऐसी गुगली फेंकी, अब देखते हैं योगी जी कैसे बैटिंग करते। देखिए, मोदी जी हमारे नेता हैं, देश के 80 प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है कि अपने नेता को फॉलो करना हमारा दायित्व है। नहीं, नेता को फॉलो करना नहीं, पर योगी जी कहीं ना कहीं तो मन ही मन, बहुत भीतर मन में आपको भी लगता, क्योंकि अभी उम्र आपकी 45 साल है, 75 की वहां पे बीजेपी में एक लिमिट है कि 75 के बाद आपको राजनीति से आपको जाना है मार्गदर्शक मंडल में, तो हो सकता है कि 10 साल में मोदी जी अगर तभी पीएम है ना हो, उसके बाद सवाल खड़ा होगा कि मोदी जी के बाद कौन, और ऐसे में बीजेपी के काडर के भीतर, और ये मैंने खुद देखा है न केवल उत्तर प्रदेश में लेकिन बाकी जगहों में, आज की तारीख में अगर किसी नेता की सबसे ज़्यादा लोकप्रियता है तो वह आपकी। देखिए, मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ और एक योगी के रूप में मुझे उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया गया है 22 करोड़ जनता की सेवा करना, उनके चेहरे पर खुशहाली लाना, उनको सुरक्षा प्रदान करना, अपने इस उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ और उस अभियान को आगे बढ़ा रहा हूँ। कभी नहीं सोचते कि मैं भी पीएम बन सकता हूँ? मैंने तो मुख्यमंत्री बनने का भी नहीं सोचा। सोचा तो होगा, कुछ नहीं सोचा है। ऐसे कैसे? देखिए, यही तो आकांक्षा नहीं रखते हम लोग, कोई आकांक्षा नहीं, ना कोई महत्वाकांक्षा है, एक ही लक्ष्य है, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम, बाकी कुछ नहीं। अंजना, योगी जी श्री श्री रविशंकर अभी मध्यस्थता के लिए पहुंचे थे तो आपने भी उनसे मुलाकात की, क्या आपने कोई ऐसी पहल की है या आपकी उनसे क्या बात हुई राम मंदिर को लेकर? देखिए, श्री श्री रविशंकर जी लखनऊ आए थे, पूर्व परिचित हैं और उनसे एक शिष्टाचार मुलाकात हुई थी, मिलने के लिए उन्होंने उनके कार्यालय से समय मांगा गया था तो उसी में उस मिलने के लिए आए थे। इन सब मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं हो पाई। दूसरा, बहुत देर हो चुकी है, हम लोग आज से नहीं 86 से चाहते थे कि संवाद से इस समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन एक पक्ष था जो वार्ता की टेबल से हमेशा भाग जाता था। जब बातचीत से समस्या का समाधान नहीं हो पाया तो ही न्यायालय में है और 5 दिसंबर से न्यायालय उसमें डे टू डे की सुनवाई कर ही रहा है, तो मुझे लगता है कि अब बातचीत की बजाय न्यायालय पर ही हमें विश्वास करके इसका समाधान निकालना चाहिए। सर, एक सवाल पद्मावती फिल्म पर भी है। आपने अभी कहा कि रावण और मेघनाद को मारना भी जरूरी है, तो इसी देश में राम का मंदिर और उनकी बात होती है तो रावण का मंदिर कानपुर में है, इसी देश में महात्मा गांधी को लोग देश के पिता कहते हैं तो इसी देश में नाथूराम गोडसे का भी एक मंदिर ग्वालियर में बन चुका है। जब इन दोनों से ना हिंदुत्व को खतरा होता है ना दूसरे से देश की सोच को खतरा होता है तो एक अलाउद्दीन खिलजी और एक जयसी की 700 साल पुरानी कविता पर बनी फिल्म से कैसे देश को खतरा हो सकता है? सेंसर बोर्ड नहीं, मुख्यमंत्री बैन बोर्ड बन गया है। नहीं, हम लोगों ने इस बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखा
और हम लोगों ने पत्र इस बात को लेकर के लिखा। देखिए, फिल्में समाज को एक मार्गदर्शन के लिए होती हैं, उनको रास्ता दिखाने के लिए हैं। फिल्म का मतलब समाज में उपद्रव पैदा करना नहीं होना चाहिए। फिल्म समाज के सौहार्द को बिगाड़ने वाली नहीं होनी चाहिए, समाज को दिग्भ्रमित करने वाली नहीं होनी चाहिए और ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने वाली भी नहीं होनी चाहिए। इतिहास हमारे मार्गदर्शक हैं। इतिहास में अगर कहीं कोई कमी रही है, हम उससे सुधारें, उसका परिमार्जन करें, इतिहास के गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा लें, उससे उसी के रूप आगे बढ़ें। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को नायक के रूप में प्रस्तुत करके एक भारतीय रानी जिसके जौहर पर, आज के परिप्रेक्ष्य में जौहर को कोई उचित नहीं मानेगा, लेकिन जिसने अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए उस समय जौहर व्रत लिया था, हम उसकी अवहेलना करें, उसको हम बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करें। पर योगी जी, मुझे लगता है तोड़ मरोड़ करके ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए और प्रत्येक की भावनाओं का सम्मान करते हुए उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने पत्र भी लिखा कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ किसी भी प्रकार की कांट छांट नहीं होनी चाहिए, एक। और दूसरा, नगर निकाय के इलेक्शन है, 1 दिसंबर को हमारे यहाँ काउंटिंग है, फिल्म रिलीज होगी, हम सुरक्षा मुहैया उस दौरान नहीं करा पाएंगे क्योंकि हमें अपने प्रदेश के अंदर नगर निकाय के जो चुनाव चल रहे हैं, इन चुनाव में हमारी फोर्स लगी रहेगी, उन स्थितियों में ये कठिन होगा, इसलिए इस पर जरूर विचार किया जाएगा। पर योगी जी, आप कह रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को नायक के तौर पर पेश किया गया है, वो तो फिल्म में खलनायक है, और जो भी हो, आपने न केवल जिसने भी विरोध किया उनमें से किसी ने भी फिल्म तो देखी नहीं, आप कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, क्या पेश किया गया? तो अरे भी सवाल, भी आपको भी सवाल ये है, सवाल ये है, सेंसर बोर्ड में जाने के पहले आप उसको क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं किसी के सामने? आपकी नियत को स्वयं आपके नियत को कटघरे में खड़ा करता है। किसी ने आपको अधिकार नहीं दिया, अगर आप सच हैं पहले सेंसर बोर्ड में जाइए, फिर प्रदर्शन करवाइए उसका। आप फिल्में देखते हैं? नहीं, मैं फिल्म नहीं देखता। कभी नहीं देखी? कभी नहीं देखी। ऐसे कैसे सर? नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, मैंने इसलिए कहा। आप कभी, आपने जिंदगी में कोई फिल्म नहीं देखी? भाई पिछले 25 वर्षों से तो नहीं देखी है। 25 वर्षों से कोई फिल्म नहीं देखी? नहीं। और आप चाहते हैं कि कोई जाए भी ना देखने के? क्यों नहीं जाओ? जो जाना चाहता है वो चले जाए, जिसको नहीं जाना। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग तो एक पॉलिसी लेकर के आए हैं, हम पिक्चर हॉल जो पुराने पड़ चुके हैं उनको मल्टीप्लेक्स में बदलने के लिए हम उसको अनुदान देने जा रहे हैं, उनको हर प्रकार की सुविधाएं देने जा रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? पर ऐसे तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा फिल्मकारों के लिए फिल्म बनाना, कि कौन किस चीज को लेके क्रोधित हो जाए, विवाद खड़ा कर दे? ऐसे तो कोई फिल्म ही नहीं बनेगी। ऐसा नहीं, बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं, बहुत सारे लोग अच्छी फिल्में बना रहे हैं, उत्तर प्रदेश को उसको प्रोत्साहन दे रहा है। आज के दिन पे 4 ऐसी फिल्में उत्तर प्रदेश के अंदर जो बन रही हैं उनको हम स्वयं अनुदान उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छा कार्य करना चाहते हैं, आप अच्छे कार्यों के लिए बनाए ना, समाज के लिए प्रेरणादायी बनाए। कोई फिल्म मॉरल साइंस का क्लास थोड़ी है, नहीं, फिल्म तो मनोरंजन है। कि आपने प्रश्न किया, मैंने इसलिए आपको कहा, मनोरंजन का मतलब इस प्रकार का घटियापन नहीं जो अपने ऐतिहासिक तत्वों के साथ छेड़छाड़ करे, उसको बंद किया जाना चाहिए। मैं आपसे योगी जी एक सवाल पूछता हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते तक, जब से बवाल शुरू हुआ उससे एक हफ्ते पहले तक, चित्तौड़गढ़ के किले पर वो आईना था जिसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी की परछाई देखी। ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक कमरा था, वहाँ पे कमरे में आईना था और तमाम वहाँ पे राजपूत बाकी लोग आते थे, सालों से आ रहे थे, किसी ने विवाद नहीं खड़ा किया। अब तक पिछले ही साल महारानी पद्मिनी पे एक सीरियल था, किसी ने कुछ नहीं कहा। उससे पहले न जाने कितनी फिल्में पद्मावती पे बन चुकी, किसी ने कुछ नहीं कहा। तो इस दफा सब इतने इरिटेट क्यों हो रहे हैं? देखिए, ये किसी फिल्म का मंच भी नहीं है कि हम उसकी समीक्षा करें। दूसरा ये कि मेवाड़ और चित्तौड़ के पराक्रम पर देश गौरव की अनुभूति करता है और मुझे लगता है कि हमें वहाँ के बलिदान के बारे में, वहाँ के शौर्य और पराक्रम के बारे में ESI या किसी और से प्रमाण पत्र भी नहीं लेना है। इस देश के बच्चे बच्चे के मन में महाराणा कुंभा से लेकर के महाराणा
कुंभा से लेकर के और महाराणा प्रताप तक की उस पूरी परंपरा के प्रति बहुत आदर का भाव है, और जब भी देश के अंदर राष्ट्र नायकों का सम्मान होगा तो महाराणा प्रताप का होगा, महाराणा सांगा का होगा, अलाउद्दीन खिलजी का नहीं होगा। आपके सहयोगी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महारानी पद्मिनी को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, आप सहमत हैं? एकदम बिल्कुल अच्छी बात है। तो भारत की उस हर नारी को जिसने अपनी गरिमा की रक्षा की है, भारतीयता का एक संदेश दिया है, उन सबको इस सम्मान मिलना चाहिए। पर तमाम इतिहासकार तो ये सवाल पूछते हैं कि पद्मिनी नाम की कोई महिला, कोई महारानी उस दौर में थी या नहीं, या फिर ये जायजी की कविता से निकली एक काल्पनिक शख्सियत है, इसी पर सवाल है। सवाल ये है, अगर वह पात्र हमें प्रेरणा दे रहा है तो हमारे लिए हमें उसकी वास्तविकता को मानना पड़ेगा। दूसरा, पद्मिनी के जौहर व्रत को यह देश आज भी नमन करता है। नारी के सम्मान की रक्षा कैसे होनी चाहिए उन्होंने स्वयं साबित करके दिखाया है, और मुझे लगता है कि हम सबको इस पर बहुत बहस में पड़ने की बजाय उन पात्रों से प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, चाहे वह महारानी लक्ष्मीबाई हो, महारानी दुर्गावती हो, या फिर इस परंपरा की उन सभी प्रकार की उन मातृशक्ति के साथ जिनका आदर्श आज भी हम सबको प्रेरित करता है। आपने देखा होगा योगी जी, एक वीडियो आया जिसमें मुलायम सिंह यादव की बहुरानी अपर्णा यादव घूमर डांस पे बहुत बेहतरीन डांस कर रही हैं। तमाम करनी सेना, बाकी जो राजपूत संगठन है, उन्होंने कहा कि ये नाचने वाली है, इसने नाक मिट्टी में मिला के रख दी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि एक राजपूत महिला की इज्जत को बरकरार रखने के लिए किसी दूसरी महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, उसको नाचने वाली कहना, अपने क्या घर में, अपने घर में कौन क्या कर रहा है ये उसका विषय है, मुझे लगता है इसको बहस का विषय नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि जब मीडिया उसको सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करती है तो एक भ्रम की सी स्थिति पैदा होती है। मुझे लगता है इसमें भी परहेज होना चाहिए कि किसी के व्यक्तिगत फंक्शन को हम सार्वजनिक रूप से मंचों से प्रदर्शित करें, इस पे भी को इसको भी हम लोगों की एक सीमा दी जानी चाहिए, और विवादित विषयों को मेहमामंडन करने से हर एक व्यक्ति को बचना चाहिए। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं, हमारे लखनऊ के ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक सवाल पूछना चाहते हैं। अगला सवाल मैं आपको दूंगा, लेकिन एक सवाल कुमार अभिषेक को। मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल राजनीतिक है, पॉलिटिकल है। अभी तक आप सबसे ज्यादा हमले अखिलेश यादव पर करते रहे हैं, लेकिन आज जो चुनाव का रिजल्ट आया है इसमें आपकी प्रतिद्वंदी के तौर पर मायावती फिर से उभर रही हैं। न सिर्फ दो मेयर की सीटें जीती हैं बल्कि कई जगह बहुत कड़े मुकाबले में वो हारी हैं, बीएसपी हारी है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती के रूप में उभरेंगी मायावती, और क्या आप 2019 तक कोई बड़ा गठबंधन देख रहे हैं? देखिए, बीएसपी जनता का विश्वास खो चुकी है, और कोई संकट नहीं, यह संकट बीजेपी के लिए नहीं, ये एसपी के लिए संकट है, और एसपी का अस्तित्व स्वयं संकटग्रस्त हो चुका है आज के चुनाव के परिणाम से। 2019 में भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करेगा, और 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। नहीं, अगर कांग्रेस, एसपी, बीएसपी एकजुट हो गए तब तो काफी आंकड़े उनके पक्ष में हो जाएंगे। चुनाव में भी सब लोग आपस में एक साथ मिलकर के ही लड़े हैं, ये केवल आपस में इन लोगों का वो रहा हो, लेकिन सामान्यतः अंदर खाने सब लोग एक साथ मिलकर के चुनाव को लड़े हैं। चलिए, आप पूछना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको प्रणाम करता हूं। लगभग काफी चर्चा में एक बात पर चर्चा होनी अभी नहीं शुरू हुई, जिसमें हम उद्योग, एक आपने उद्योग की नीति बनाई है उस पर अभी हम आपके विचार सुनना चाह रहे थे। एक भ्रष्टाचार, पिछले 15 वर्षों में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आकंठ तक पूरा प्रदेश डूबा हुआ है, और प्रदेश के न केवल राजनीतिक दल बल्कि बड़े बड़े अधिकारी उस भ्रष्टाचार में रंगे हाथों पकड़े हुए भी हैं, लेकिन उनके ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं हुई है। वे आज भी पद पर रहते हुए भी इनकम टैक्स की रेड उनके घर पर हुई है, उसके बावजूद भी वो पद पर बने हुए हैं। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस विषय में कुछ कार्य कर रही है? और पूरा प्रदेश जिस प्रकार से नोएडा में यादव सिंह जैसे प्रकरण हुए हैं,
और उनके ऊपर और भी तमाम यादव सिंह इस प्रदेश में है, तो क्या प्रदेश की सरकार जैसे आपके प्रति लोगों के मन में है रामराज की स्थापना की तरफ हम चल रहे हैं, तो क्या रामराज में भ्रष्टाचार का कोई स्थान रहेगा? जी थैंक यू। देखिए हम लोग एक नई पॉलिसी लेकर के आए हैं, नई औद्योगिक नीति हम लोग लेकर के आए हैं और इसमें हर एक को हमने जगह दी है। हम लोगों ने 21-22 फरवरी को उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट भी आयोजित किया है, मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा उसमें, आप लोग आइए, आप सबका स्वागत है इसमें। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई यादव सिंह पनप नहीं पाएगा और आज के दिन पर कोई ऐसा अधिकारी अपने पद पर नहीं होगा जिसके यहाँ आईटी का छापा पड़ा हो या जो पहले से बदनाम हो। सबको हम लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया है। दूसरा, हम लोगों ने स्क्रीनिंग भी करनी शुरू कर दी है। संभवतः आपने सही आंकड़े देखे नहीं होंगे, मैं लगभग 200 से ऊपर अधिकारियों को मैं समय पूर्व रिटायर कर चुका हूँ और इस समय आईएएस की स्क्रीनिंग चल रही है हमारे यहाँ। 50 साल से ऊपर के जो ऐसे लोग होंगे उन सबको जबरदस्ती में रिटायर करने वाला हूँ, जबरदस्ती घर भेजने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जो नई औद्योगिक नीति हमारी बनी है उसके अंतर्गत हम लोगों ने सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है, किसी भी उद्यमी को कोई परेशानी नहीं होगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी और हर प्रकार की सुरक्षा की गारंटी भी हमारी सरकार उनको दे रही है। आप सवाल पूछना है? मैं मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देखे पॉलिटिक्स में हूँ और उत्तर प्रदेश में हूँ, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से हूँ, इसलिए राजनीतिक उस पर ही मैं दो बात करूँगा। अभी जैसा मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ अधिकारी वक्त से पहले अपने घर जा चुके, तो ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अभी एक हमारे साथी ने आज के चुनाव का जिक्र किया, सवाल पूछे। जी जी, उत्तर प्रदेश का आज मतगणना थी, आज एक निकाय चुनाव के परिणाम आए हैं। उत्तर प्रदेश में 16 सीटें मेयर की हैं, 3 सीटें छोड़कर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, इसके लिए भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। और ऐसे, मैं हम वक्त नहीं वेस्ट कर सकते, आपको मुख्यमंत्री को हो गया, आप वहाँ पे सवाल पूछने जाते हैं, एक सेकंड, वहाँ पे सज्जन है जो बार बार सवाल पूछना चाह रहे हैं, कहाँ गए वो? चलिए आप ये मैम को दे दीजिए। बस योगी जी, गुड इवनिंग, मेरा नाम योगिता है और मेरा सवाल ये है, जब आप आए आपने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाई, महिला सम्मान की आप बात कर रहे थे, महिला सुरक्षा की भी आप बात कर रहे थे, तो क्या स्टेप्स ऐसे आप लेने वाले हैं जिससे, क्योंकि यूपी में बहुत क्राइम है अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल वायलेंस भी है, तो आप कैसे स्टेप्स, अभी आपका क्या विजन है महिला सुरक्षा को लेकर? बस एक टुक ये सवाल है। देखिए महिला सुरक्षा को लेकर के हम लोगों ने बहुत सारे कदम वहाँ पे उठाए हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड तो हर थाने क्षेत्र में हम लोगों ने स्थापित किए ही हैं, साथ ही साथ महिला हेल्पलाइन 181 और 1090 के आधार उसको भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू किया, बहुत अच्छे उसके परिणाम आए हैं। लगभग 25,000 हम लोगों ने ऐसे अधिकारी नियुक्त किए हैं पूरे प्रदेश के अंदर जो महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं के बीच से ही चयन करके उनको तैनात किया है कॉलेजेस में, स्कूलों में, अन्य स्थानों पर। इसके अलावा प्रदेश के अंदर सभी 75 जिलों में महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित रेस्क्यू वैन भी हमारी चल रही है, जो पहले नहीं चल रही थी, वो भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रारंभ कर दिया है। और हम प्रदेश के अंदर हरेक को, प्रत्येक बहन को, प्रत्येक बेटी को सुरक्षा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आपको हमने मौका दिया, आप उस वक्त थे नहीं, मैंने कहा कि आप वहां पे वेट करें, अब हमारा वक्त खत्म हो गया। जब आपने शुरुआत की, मुख्यमंत्री आप बने, तब आपने हमें बताया कि अभी चूंकि आप नए नए मुख्यमंत्री बने हैं तो बहुत देर रात तक आपकी मीटिंग चलती है, फिर मैंने आपसे पूछा कि उठते कब हैं, आपने कहा कि अब 3:30 बजे उठ जाते हैं, अभी भी वैसा चल रहा है या कुछ सोने को मिल रहा है? नहीं, मेरा दिनचर्या वैसे ही चल रही है, वैसे परिश्रम भी चल रहा है, वैसी दिनचर्या भी है। चलिए, आपने यहाँ पे कई सारी बातें कही, वादा किया कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य 2022 तक स्थापित हो जाएगा, और ये भी वो तो बहुत दूर है, लेकिन आपने ये भी वादा किया कि 31 दिसंबर तक सारे गड्ढे आप भर देंगे। एकदम भरेंगे। एक आखिरी सवाल, मैं भी देख रहा था कि लोग जो देख रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, वो सवाल पूछना चाह रहे हैं बार बार, कि नोएडा के इर्द गिर्द जो तमाम बिल्डर्स हैं उन्होंने हजारों लोगों के पैसे लिए हुए हैं, घर नहीं बनाए। आप जब सीएम बने आपने वादा किया कि घर बनेगा, वो कह रहे हैं कि घर तो अभी भी नहीं बन रहा, उनका क्या करें? देखिए, बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत अच्छे मुद्दे की तरफ ध्यान आकर्षित किया है और लोग उसमें
इधर कुछ ज्यादा अनावश्यक राजनीति कर रहे हैं। बिल्डर और बायर्स की मैंने बैठक भी बुलाई थी, एक बार नहीं तीन बार बैठक बुला चुका हूं, और तीन मंत्रियों को मैंने उसके लिए स्पेशली लगाया है। श्री सुरेश खन्ना हमारे जो नगर विकास मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, श्री सतीश महाना औद्योगिक विकास मंत्री, और गन्ना विकास के हमारे जो मंत्री हैं श्री सुरेश राणा, इन तीन मंत्रियों को मैंने लगाया है। हम 30 दिसंबर तक 50,000 लोगों को आवास देने जा रहे हैं। एक दूसरा, लगभग 2.5 लाख ऐसे लोग हैं बायर्स हैं जिन लोगों को आवास मिलने थे और 8-10 सालों से समस्या पड़ी हुई थी। मैंने बिल्डर्स को भी बुलाया, मैंने उनसे पूछा आपकी समस्या क्या है, आखिर क्यों इन लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। हम लोगों ने उसकी तीन कैटेगरी तय कर ली है। एक, जो बिल्डर समय से आवास दे सकते हैं उनको नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेस वे जो अथॉरिटी थी, इन तीनों से कुछ उनको सुविधा चाहिए थी। मैंने तीनों को आदेश किया कि वे जो भी सुविधा हो सकती है इन लोगों को उपलब्ध कराओ और बायर्स की समस्या का समाधान करो। और उसी का परिणाम है कि 30 दिसंबर तक हम लोग 50,000 लोगों को आवास उपलब्ध करवा देंगे। सेकेंड कैटेगरी में वे लोग हैं जिनको हम को डेवलपर देने जा रहे हैं कि अगर आप आवास अपने स्तर पर नहीं बना सकते हैं, आपने बायर्स से पैसा लिया है, तो आप किसी का सहयोग लें लेकिन आवास समय पर दें, एक समय सीमा के अंदर। हम सबको ऑडिट कराने जा रहे हैं, ये कार्रवाई हमारी प्रारंभ हो चुकी है प्रत्येक बिल्डर की, तो ये कार्रवाई हमारी होने जा रही है। अगले 3 महीने के अंदर हम लोग प्रयास करेंगे को डेवलपर दे करके आवास को हम पूरा करें। और तीसरे चरण में बाकी जो एकदम डिफाल्टर हैं, हम उनकी पूरी संपत्ति को लेकर के प्रत्येक बायर्स के हितों का संरक्षण करेंगे, हर बायर्स को उसका आवास उपलब्ध करवाएंगे। इसकी जिम्मेदारी हमारे तीनों अथॉरिटी लेंगे और ऐसे बिल्डर्स को जेल भी भेजेंगे। भाई मैंने कहा जब संपत्ति जब्त करेंगे तो फिर आप नाराज होंगे, कहेंगे कि हम उस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। ऐसे बिल्डर्स की आरती नहीं उतारेंगे। योगी आदित्यनाथ जी, आप यहाँ एजेंडा आज तक के इस मंच पे आए, तमाम बातें आपने बेहद बेबाकी से रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार